आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन इस क्वेश्चन में क्या है फॉर नॉन जीरो ए एंड बी मतलब ए और बी के लिए नॉन जीरो मतलब जीरो से ग्रेटर है ओके तो इसका मतलब क्या है मतलब जीरो नहीं है सिंपली तो वैल्यू गिवन है ए बाय बी रेज टू द पावर एम इज डिवाइडेड बाई वैल्यू ए बाई बी रिस्ट द पावर एन वेर एम इज ग्रेटर देन एन तो ये वैल्यू इज इक्वल्स टू वॉट मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज गिवन क्या हमारे पास ए बाई बी रिस्ट टू द पावर एम इज डिवाइडेड बाई वैल्यू ए बाई बी रिस्ट द पावर एन तो ये वैल्यू किसके होगी और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है तो देखो इस चीज को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ये जो गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए बाई बी रिस्ट पावर एम इसीडेड बाई ए बाई बी रेस्ट टू दी पावर एन ओके तो देखो अगर बेस सेम होता है जैसे यहाँ पे ए बाई बी क्या है बेस सेम है और पावर क्या आपका डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसको मैं ले सकता हूं ए बाई बी ए बाई बी बेस सेम है इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी मतलब न्यूमिनेटर पावर में से डिनोमिनेटर पावर माइनस हो जाएगी ओके okay? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर दैट इज इफ बेस इज सेम इन डिविजन देन पावर विल बी तो ये आपका मैच हो रहा है आंसर विद ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने टाइप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर